मोदी योगी वॉलपेपर को आप अपने सैमसंग के फ़ोन से कैसे हटा सकते हैं? आपके पास सैमसंग का कोई भी मोबाइल है, सरकार ने आपको कोई मोबाइल दिया है, ठीक है, उसमें योगी मोदी का वॉलपेपर है वो लगा हुआ है और आप उसे हटा रहे हैं और वो नहीं हट रहा है, तो आप उसे कैसे हटा सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊँगा। यूट्यूब पर इसकी ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं लेकिन किसी ने अच्छा तरीका नहीं बताया है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसे आप कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो सबसे पहली जो सेटिंग है आपको क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। चलिए मैं अपने प्ले स्टोर में जाता हूँ। प्ले स्टोर में जाके और यहाँ पे आपको डालना है यूमो लॉन्चर। यूमो लॉन्चर आप इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। ये देखो मैंने डाल दिया, अब यहाँ से मैंने डाला और यहाँ पर मैंने इसे डाउनलोड भी कर लिया। आपको इसे डाउनलोड भी कर लेना है, उसके बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख जाएगा साइन इन विद गूगल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे वहां पे ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे और आपको वॉलपेपर शो हो जाएंगे। वॉलपेपर पे क्लिक करना है किसी एक वॉलपेपर पे, उसके बाद नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपको देखो इस तरीके से एक सेटिंग मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। तब आपको देखो क्या करना है, यहाँ लिखा है यूमो लॉन्चर, तो आपको यहाँ पे यूमो लॉन्चर को सिलेक्ट कर लेना होगा। यूमो लॉन्चर को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपका वॉलपेपर सेट हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मेरा हट गया है, ठीक है। देखो फिर भी नहीं हट रहा है, तो दिखाता हूँ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ वॉलपेपर एंड स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज वॉलपेपर, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने फीचर्ड वॉलपेपर शो हो जाएंगे, तो जो भी आपको वॉलपेपर चाहिए उस पर क्लिक करके और यहाँ नेक्स्ट करके और डन पे क्लिक कर दीजिए। एक तो ये सेटिंग है, वैसे पहली वाली सेटिंग 100% वर्किंग है, वो आप कर लीजिए। और आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।